आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि थनैला रोग क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर थनैला रोग किसी पशु के हो जाए तो उसका घरेलू उपचार कैसे करें। तो चलिए कुछ अलग सीखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो मेरे किसान दोस्तों, अब हम पहले समझेंगे कि थनैला रोग किस तरीके से होता है और क्या है। थनैला रोग में हमारी गाय, भैंस, बकरी जो भी है उसके थन में गांठ आ जाती है और खून आना भी शुरू हो जाता है और दूध जो है गांठ गांठ करके निकलता है और थन बंद हो जाता है, तो इसे जो है थनैला रोग कहते हैं। अब थनैला रोग किस तरीके से होता है, कैसे होता है? तो थनैला रोग 2% पशु के शरीर के अंदर से होता है, 98% थनैला रोग पशु के बाहर के प्रकृति से और हमारे वातावरण से होता है। तो पहले हम जानेंगे कि 2% में शरीर के अंदर से कैसे होता है। पशु के शरीर में बैक्टीरिया पनपते हैं, वो जो है अंदर खाने के द्वारा या कैसे भी उसके शरीर में अंदर होते हैं, तो उस बैक्टीरिया का नाम है ब्रुसेलोसिस और ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया पशु को कमज़ोर कर देते हैं और उसके थन में थनैला रोग हो जाता है। कई बार इस बैक्टीरिया से गर्भपात या बांझपन का भी कारण बनता है। अब बात आती है 98% बाहर के वातावरण से। तो उस वातावरण में क्या होता है कि हमारा पशु जहाँ बनता है, जहाँ उसका थान है, जहाँ उसकी खोर है या जहाँ वह चारा खाता है, वहाँ गंदगी का रहना, सफाई ना होना, वहीं से बैक्टीरिया पशु के थन द्वारा उसके अंदर चला जाता है। अब वो जाता कैसे कैसे है कि हम जब अपने पशु का दूध काटते हैं तो कोई ध्यान नहीं देते, बस ऐसे ही दूध काटने लग जाते हैं, जबकि हमें जिस बर्तन में हम दूध काढ़ें उस बर्तन को अच्छे गर्म पानी से धो के और धूप में सुखा के हमें रखना चाहिए। दूसरे कई बार होता है दूधिया आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उन्हीं की बाल्टी होती है, वो लेके अपने घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया, गंदगी दूसरी जगह से भी हमारे यहाँ पर आ जाती है। तो जब भी कोई दूधिया से हम दूध कढ़वाएँ या दूधिया हमारे यहाँ आ रहा है या हम खुद भी काट रहे हैं, तो हमेशा हमें बाल्टी साफ लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि बाल्टी साफ का क्या कारण है? होता क्या है कि हमारे बर्तन में जो पात्र है हमारा दुग्ध दोहन का, उस पात्र में बैक्टीरिया होता है और जब हम दूध काढ़ते हैं तो थन के जो छिद्र हैं वो थन के छिद्र खुल जाते हैं और बैक्टीरिया उनके द्वारा अंदर चला जाता है। उसी से हमारे पशु के थन में थनैला रोग हो जाता है। दूसरा क्या है कि जहाँ हमारा पशु बनता है, कई जगह तो ये होता है कि हम जहाँ चारा खिलाते हैं खोर पर वहाँ दूध ना काढ़ें, उससे अलग जगह है वहाँ हम दूध काढ़ें, लेकिन मजबूरन कई किसान भाइयों की जगह कम होती है, उसे वहीं रहना है पशु को और वहीं दुग्ध दोहन का काम होना है, तो उसका मल मूत्र सब हमें बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए दूध काटने के टाइम, क्योंकि वो मल मूत्र से भी बैक्टीरिया जो है पशु के थन द्वारा उसके अंदर जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि हम 98% थनैला रोग की रोकथाम अपनी गौशाला या अपनी डेयरी
या अपना जो हमारे पशु पालने का स्थान है या हमारा जो तबेला है भैंस का, उसे साफ सफाई रख के कर सकते हैं। 98% केवल ओनली 2% की संभावना हो रहती है। अगर हम साफ सफाई अच्छी रखेंगे तो ये रोग हमारे पशु में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर किसी वजह से किसी भाई के पशु में ये रोग आ गया है तो अब हम उसका उपचार कैसे करें? तो हमारा घरेलू उपचार है, सभी घरों में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ों से अपने पशु का उपचार कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत वाला काम है, इसलिए आप उसे ध्यान से सुने। और दूसरी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत कारगर वीडियो है, तो मैं हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अगर हम डॉक्टर को बुलाएं तो हमारा पैसा वेस्ट होगा। हम किसान हैं, मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, इसलिए हम पूरी लगन और मेहनत से अगर अपने पशु का ट्रीटमेंट अपने घरेलू उपचार से करेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो उस उपचार के लिए हमें क्या चाहिए? आपने देखा होगा ग्वार पाठा या घृत कुमारी या एलोवेरा, उसके तीन नाम हैं। आप जिस भी नाम से उसे जान सकते हैं जाने। तो 250 ग्राम हमें लेना है एलोवेरा। एलोवेरा प्रिजिम हुआ या रखा हुआ या किसी कंपनी का, या मतलब बाबा जी वाला या वो जो है पतंजलि, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, फ्रेश चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जंगली होना चाहिए, ये नहीं कि गमले में लगा हुआ है, वो इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 250 ग्राम एलोवेरा, 4 चम्मच हल्दी जो हमारे किचन में हमारी मसालदानी में पड़ी हुई है, 4 चम्मच हम वो ले लेंगे हल्दी, और 15 ग्राम लेंगे चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, 30 ग्राम का एक पैकेट आता है उसका, उसमें से 15 ग्राम ले लेंगे। खाया तो मैंने नहीं है लेकिन देखा है, तो वो 15 ग्राम हम उसमें डाल लेंगे। तो ये सामग्री हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे जो है मिक्सी में डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो किसान साथियों, चलो ये सब हाथ से करके और बना के प्रैक्टिकल देखते हैं। तो साथियों, हमने एक ये चाकू ले लिया है और हम मिक्सी का जार साथ ही ले कर आए हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम काट के अपने वहाँ तक ले जाएंगे तो इसका जेल टपक जाएगा और उसकी जो औषधीय गुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम एक करीब 250 ग्राम के अंदाज से एक इसकी पत्ती, जो इसकी एक फली टाइप है, एक इसका ये है, वो हम काट लेते हैं। वो काटना है बिल्कुल ऐसे यहाँ से मिला के, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ये काट लिया है। अब ये हमें एकदम से ये हमें ऊपर कर लेना है जिससे कि इसके अंदर से जो जेल है वो टपके ना, और ना ही इसे हमें धोना है, ना हमें कांटे हटाने हैं, ना हमें कुछ करना है। हमें सीधे एकदम ये मिक्सी में ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो ये हमने मिक्सी में डाल दिया। अब हम ये अपना इसे लेके चलते हैं घर। तो किसान साथियों, हमने इसमें 250 ग्राम ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा डाल लिया है। अब हम डालेंगे 4 चम्मच हल्दी। अब हम ये हमारा 30 ग्राम का पैकेट है चूने का, इस 30 ग्राम के पैकेट में से हम 15 ग्राम चूना डालेंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, धुले हाथ हों, हमारा जो ये जार है मिक्सी का ये भी साफ होना चाहिए। तो साथियों, हम अपने मिक्सी के जार को खोलते हैं और देखते हैं कि ये बिल्कुल लाल रंग का बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम ईंट के जैसे कलर का। अब इसे हम आगे पानी में इसमें से 2 चम्मच निकाल के
पानी में मिला लेते हैं। किसान साथियों, हमें अपने गाय या भैंस के थन पूरी तरह खाली कर लेने हैं, पूरी तरह इसे साफ कर लेना है। लाल होने की बात रहती है, इसीलिए हम ये जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि प्रिकॉशन के लिए भी ग्लव्स अच्छे रहते हैं, तो हम ये अच्छे से अपने हाथ से जो है अपनी गौ माता के या अपनी भैंस के ये जो है लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब हम इससे इसके बांक पे, इसकी लोटी पे और जो इसके आर्डर पे जो है अच्छे से मालिश कर देते हैं। ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसके जो है बांक आर्डर पे जो है अच्छे से मालिश कर दी है। तो किसान साथियों, हमने ये पेस्ट लगाया अपनी गाय के। अगर इसी तरह आप दिन में 5-6 बार, मेहनत का काम है, मैंने पहले कहा था, 5-6 बार आप इसे ऐसे लगाएंगे तो आपका पशु अवश्य ठीक हो जाएगा, अगर चंडी माता की कृपा रही। रात में जो हमने पानी में लगाया है, रात में आप एक काम करेंगे, सोते टाइम उसे सरसों के तेल में मिला के जब लगा देंगे, जिससे कि वो हटे ना और रात में पशु बैठता है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो किसान साथियों, आप अगर ये करेंगे तो आपका पशु अवश्य सही हो जाएगा। किसान साथियों, ये वीडियो आपने देखी और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि कोई ज़रूरतमंद साथी इसे प्रयोग करके लाभ उठा सके। और घंटी के बटन को ज़रूर दबाना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।